और ब्रिगेडियर रिटायर्ड विनोद दत्ता सर रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। दत्ता सर, पोखरण रेंज और यहाँ पर की गई ये पार ड्रिल, ये सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे कि आखिर इन परिस्थितियों के तहत कैसे इन ड्रिल्स को अंजाम दिया जाता है। देखिए, ये इस तरह की जो ड्रिल्स हैं, पहली बात तो रक्षाबंधन की सबको शुभकामनाएं, और रक्षा के क्षेत्र में भारत काफी प्रोग्रेस कर चुका है। इन ड्रिल्स का मकसद ये रहता है कि हम अपनी जो फायर पावर डेमोंस्ट्रेशन है उसको बता सकें, उनका समन्वय कर सकें, उनकी जो किलिंग एरिया है या इफेक्टिवनेस है जो वेपन सिस्टम का या जो डिलीवरी सिस्टम है या टारगेट एंगेजमेंट है उसको कितना कारगर रहता है, कितनी उसकी एक्यूरेसी रहती है और किस तरह से कोऑर्डिनेशन किया जाता है, इन सब चीज़ों की प्रैक्टिस की जाती है। रही बात ब्राज़ील के जो मिलिट्री कमांडर आए हुए हैं, ये उनको भी बता देना चाहते हैं कि भारत का इक्विपमेंट कितना सटीक है, कितना एक्यूरेट है, कितना रिस्पॉन्सिव है। और आज देखिए, जिस तरह से हमारा इंडिजनाइजेशन हो रहा है, जिससे स्वदेशीकरण हो रहा है वेपन इक्विपमेंट का, भारत के जो इक्विपमेंट है उसकी डिमांड बाहर के देशों से काफी आ रही है। ब्रह्मोस की फिलीपींस से आ रही है, तेजस के लिए आ रही है, MBT टैंक्स वगैरह के लिए आ रही है। तो भारत यकीनन ये बता देना चाहता है कि हमारा इक्विपमेंट सस्ता है, सटीक है और एकदम सुरक्षित है। खासकर अर्जुन टैंक की दहाड़ हमने यहाँ पर देखी, और मैं इन परिस्थितियों की बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ये एक डेजर्ट स्ट्राइक की जो तस्वीरें आई हैं उसमें ये साफ हो गया कि पाकिस्तान और चीन के बॉर्डर के नजदीक भी भारत की आकाश और रुद्र की गर्जना से तैयारी पूरी रहती है। हाँ बिल्कुल सुरभि, देखिए जब हम कमीशन हुए थे सेना में बतौर अधिकारी, तो उस समय टैंक्स का जो एम्प्लॉयमेंट था वो माउंटेन्स में बिल्कुल नहीं इस्तेमाल किया जाता था और ना ही पढ़ाया जाता था। उसके बाद अब देखिए, आप जिस तरह से चाइना बॉर्डर पे जैसे देपसांग बल्ज है या उस तरह, जहाँ पर काफ़ी अभी टैंक्स को बिल्कुल डिसमेंटल करके वहाँ लॉन्च किया गया है और वहाँ उसको वो एक बड़े कारगर वेपन सिस्टम में उनकी गिनती हो रही है। तो जो टैक्टिकल वॉरफेयर है वो बिल्कुल एकदम चेंज होता हुआ जा रहा है, क्योंकि पहले जनरली ये जो टैंक्स होते थे या जो बख्तरबंद गाड़ियां होती थी उनको प्लेन्स में या डेजर्ट टेरेन में ही उनका डिप्लॉयमेंट होता था। अभी आपने दिखाई जो मिसाइल अभी फायर की गई, उसमें देखिए जो ड्रोन्स है, क्योंकि ड्रोन्स काफी हद तक आजकल के जो बैटल फील्ड एरिया है उसमें इस्तेमाल किए जा रहे हैं, लो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स हैं, तो उनको एंगेज करने के लिए ये सब जो मिसाइल सिस्टम्स हैं या जो अटैक हैप्टर्स हैं उनका काफी इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये जो चेंजिंग टैक्टिकल बैटल एरिया का जो लैंडस्केप है उसके मद्देनजर ये ड्रिल्स की जाती हैं या फायर पावर डेमोंस्ट्रेशंस किए जाते हैं। जी ब्रिगेडियर दत्ता, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। अभी हमने यहाँ पर दिखाया पोखरण की रेंज में की गई उस डेजर्ट स्ट्राइक की तस्वीरें, लेकिन इस बीच भारत की बढ़ती ताकत के तहत ही अगली बड़ी खबर है, जहां समंदर में बढ़ रही भारत की ताकत को लेकर युद्धपोत महेंद्र गिरी को लेकर यह खबर। देश की सेवा के लिए महेंद्र गिरी है तैयार, कल लॉन्च होगा युद्धपोत महेंद्र गिरी। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, उनकी पत्नी इसे लॉन्च करेंगी। मुंबई के मझगांव डॉक पर लॉन्च को लेकर तैयारी पूरी है, लेकिन अब महेंद्र गिरी में क्या क्या हथियार है इसको लेकर एक एक इंफॉर्मेशन आगे आपके सामने होगी, क्योंकि ये भारत की बढ़ती ताकत के तहत आई एक और महत्वपूर्ण खबर है, जहां समंदर में युद्धपोत महेंद्र गिरी को लॉन्च करने की तैयारी। लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल को लेकर यह बड़ी खबर आपके सामने, जहां देखिए किस तरीके से दो रैपिड फायर गन और टॉर्पिडो लॉन्चर भी इसमें शामिल है। रॉकेट लॉन्चर और अत्याधुनिक सेंसर्स भी इसकी सबसे बड़ी खूबी है। हालांकि महत्वपूर्ण यह है कि किस तरीके से, कितना खास है ये महेंद्र गिरी और कैसे, इसकी रफ्तार को लेकर भी बड़ी खबर है, जहां इसकी रफ्तार बताई जाती है 51 KMPH, जबकि इसका वजन है 6,670 टन और इसकी लंबाई है 149 मीटर। हालांकि आपको यह भी बता दें कि इसकी चौड़ाई है 17 मीटर और गैस टरबाइन के तौर पर देखें तो दो और डीजल इंजन इसमें दो बताए जा रहे हैं। ये उसकी खासियत हम आपको बता रहे हैं कि आखिर ये महेंद्र गिरी कितना खास है, जिसकी लॉन्चिंग की मुंबई में तैयारी अब फिलहाल पूरी हो चुकी है, उसके बारे में आपने जाना। लेकिन इस बीच महत्वपूर्ण है कि किस तरीके से समंदर में भारत की बादशाहत अब बढ़ती जा रही है, और यही वजह है कि इसके लॉन्च से पहले इसकी खूबी के बारे में हमने आपको बताया। लेकिन इस बीच ये जान लीजिए कैसे 2019 से 2023 के बीच 6 वॉरशिप लॉन्च किए जा चुके हैं और अब महेंद्र गिरी की लॉन्च को लेकर सबसे बड़ी खबर है, क्योंकि मुंबई में कल इसे लॉन्च किया जाएगा। तो अब आपको हम समंदर में भारत की बढ़ती बादशाहत के बारे में भी बता रहे हैं, जहां 2019 से 2023 के बीच 6 वॉरशिप लॉन्च हो चुके हैं और युद्धपोत में 75% उपकरण लगे हैं वो स्वदेशी हैं। प्रोजेक्ट 17 फ्रिगेट का यह 7वां युद्धपोत है, जहां महेंद्र गिरी 17 अगस्त को इसी प्रोजेक्ट का यह 6ठा
युद्धपोत विंध्यगिरी भी लॉन्च किया गया था। लेकिन इस बीच हम आपको इसकी खासियत लगातार बता रहे हैं कि आखिर कितना खास है ये महेंद्रगिरी, जहां भारत की इस बढ़ती ताकत के साथ साथ इसके उन तमाम फीचर्स के बारे में भी आपको बता रहे हैं, जहां इसकी रफ्तार है 51 KMPH और साथ ही इसका वजन है 6,670 टन। इसकी लंबाई 149 मीटर है, जबकि चौड़ाई है 17 मीटर और गैस टर्बाइन इसमें 2, जबकि डीजल इंजन भी इसमें 2 है। लेकिन भारत जिस तरीके से अपनी ताकत में लगातार समुद्र में भी इजाफा कर रहा है, उसके तहत इसकी लॉन्चिंग को लेकर मुंबई में अब तैयारी पूरी हो चुकी है। अर्जुन की खासियत उसकी तेजी है, इसकी स्पीड है 70 किलोमीटर पर आवर और यह स्पीड उसे मिलती है 1400 हॉर्स पावर के इंजन से। धूल उड़ाता हुआ अर्जुन टैंक जब रेगिस्तान के थार में चला तो मेहमानों ने भी तालियां बजानी शुरू कर दी। अर्जुन टैंक को 4 क्रू मेंबर्स ऑपरेट करते हैं। टैंक की लंबाई 10.6 मीटर है, चौड़ाई 3.8 मीटर और ऊंचाई 9.5 मीटर। ये हर परिस्थिति में युद्ध लड़ने में सक्षम है। अब आगे आपको उन लोगों की बात सुनाएंगे जो अर्जुन टैंक को ऑपरेट करते हैं। ये उस थार डेजर्ट में की गई ड्रिल की खास तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां भारत ने अपनी ताकत का प्रदर्शन किया है और भारतीय सेना ने राजस्थान के जैसलमेर में ही ये युद्ध अभ्यास किया है। पोखरण की उस रेंज में की गई उस ड्रिल की तस्वीरें जिसमें भारतीय सेना के जवानों ने ब्राजील के कमांडर जनरल को स्वदेशी हथियारों की ताकत से रूबरू कराया। 40 मिनट तक इसी तरह से युद्धाभ्यास होता रहा। अर्जुन टैंक की दहाड़ के अलावा ध्रुव हेलीकॉप्टर और मेड इन इंडिया हथियारों की इस खास ड्रिल की तस्वीर आपको TV9 भारतवर्ष दिखा रहा है। फायर पावर डेमोन्स्ट्रेशन देखकर ब्राजील सेना के कमांडर भी हैरान रह गए। मेड इन इंडिया हथियारों की तारीफ उनकी तरफ से की गई। यह जो टैंक है मेक इन इंडिया के तहत इसकी जो डिजाइन किया गया है CBRD कमेंट व्हीकल रिसर्च डेवलपमेंट CBRD ने किया है और मैन्युफैक्चर जो किया है हैवी व्हीकल फैक्ट्री ने किया है। इसका नाम MET अर्जुन है। इसमें 3 एक्सेप्ट होते हैं, मोबिलिटी, फायर पावर और प्रोडक्शन। मोबिलिटी के आधार से देखा जाए तो ये 1400 हॉर्स पावर के MTU इंजन है, जो कि ऑन रोड 70 किलोमीटर पर आवर्स और क्रॉस कंट्री 50 किलोमीटर आवर्स करता है और फर्स्ट राउंड हिट प्रोबेबिलिटी आती होती है। इसके अंदर IFCS सिस्टम लगाया गया है, 120 mm आर्मामेंट लगाया गया, मैन गन लगाया गया, जो कि दो प्रकार का अमुनिशन फायर किया जाता है, FSAPDS और HAS। इस टैंक का टोटल वेट 58.5 टन है। किसी भी टैंक की काबिलियत का अंदाजा लगाने के लिए 3 चीजों का अनुमान लगाया जाता है, उसकी फायर पावर, मोबिलिटी एंड प्रोटेक्शन। MBT अर्जुन टैंक अपने तीनों ही पैरामीटर्स के ऊपर इतना अव्वल है कि इसकी वजह से ये इंडिया का मुख्य युद्धक टैंक होने के साथ साथ वर्ल्ड के बेहतरीन टैंकों में से एक है। इस टैंक की काबिलियत डेप्थ क्रॉसिंग के लिए 2.15 मीटर तक है, जो कि दो टाइप से की जाती है, 1.5 मीटर तक विदाउट प्रिपरेशन एंड 2.5 मीटर तक विद प्रिपरेशन। अगर इसके आप इंजन की बात की जाए तो ये वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल इंजन है। 1400 हॉर्स पावर का इंजन है जिसके अंदर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है, तो ये किसी भी टेरेन और किसी भी वेदर की हालत में आप कहीं भी आप इसको ट्रैवर्स और ट्रैवल करा सकते हैं। इसकी फायर पावर की बात की जाए तो 120 mm की गन है, जिसके अंदर से कई प्रकार के एमिनेशन फायर होते हैं और 2 से 3 किलोमीटर की रेंज तक किसी भी दुश्मन की किसी भी वेपन सिस्टम को बर्बाद कर सकता है। अब आपके सामने होगी आकाश मिसाइल की ताकत। सतह से आकाश में मार करने वाली आकाश मिसाइल का भी प्रदर्शन हुआ। इस मिसाइल की रेंज 25 किलोमीटर है। यह हेलीकॉप्टर, फाइटर जेट, ड्रोन को पलक झपकते ही गिरा सकती है। इस फायर पावर में सेना ने अलग अलग हथियारों के साथ कोऑर्डिनेशन और दुश्मन पर एक साथ अटैक का अभ्यास किया। पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में सेना की डेजर्ट स्ट्राइक में रुद्र हेलीकॉप्टर ने भी उड़ान भरी। रुद्र ने टारगेटेड अटैक किए, दिखाया कि मुश्किल लक्ष्य पर आर्मी के एविएशन कोर निशाना लगाने में सक्षम है।
has given the location of temporarily halted enemy to own combat team commander.